हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि जिस स्टूडेंट्स ने भी UPSC का जो भी PIT और उनका एग्ज़ाम था, जिन्होंने भी दिया शिक्षक भर्ती की, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया, उनके कट ऑफ के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बिहार सरकार जो है उन सब चीज़ों पे लागू करेगी, आइए उन सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इतने ढेर सारे कैंडिडेट्स वहाँ बिहार में गए हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, और इतनी भीड़, और जो भी अदर स्टेट्स से एग्ज़ाम देने गए, वो चाहे UP से हो, वो चाहे दिल्ली से हो, कहीं से भी गए हो, भारत के किसी भी कोने से गए हो एग्ज़ाम देने, और इसका रीज़न आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि क्यों गए। अगर हर स्टेट में अपनी अपनी वैकेंसीज होती, ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर आती रहती रेगुलरली, तो इतने प्रॉब्लम्स बच्चों को शायद नहीं झेलना पड़ता। यही सब रीज़न है जो कि इतनी भीड़ देखने को मिली। और मैंने तो कई वीडियोस देखे कि वहाँ से आपको पता चला होगा कि आप लोगों ने कैसे एग्ज़ाम दिया बहुत ही टफ सिचुएशंस में, और इतना मतलब इतने पेमेंट भी करिए आप, परीक्षा फॉर्म के शुल्क भी जमा करिए, और उसके बावजूद भी इतनी सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है एक एग्ज़ाम को देने के लिए। जबकि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको देने के लिए एक आपका स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको एक कम्फर्टेबल जोन की ज़रूरत होती है। बट उन सब चीज़ों से आगे निकल कर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके UPSC के एग्ज़ाम को आप दे पाए हैं। तो ट्रेन कई दिनों पहले से आपको बुक करनी थी, कई टिकट ही नहीं मिल रहे थे किसी को, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने इतनी हिम्मत दिखा के वहाँ पे गए, पेपर दिए उन्होंने, सभी लोगों ने पेपर दिया। बट अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल तो जैसे BPSC का एग्ज़ाम ले रहा हो, तो ये बहुत टफ था, मतलब बहुत टफ क्या कह सकते हैं, पेपर तो टफ था। एक PRT लेवल का और एक अपर प्राइमरी लेवल का पेपर ऐसा बना देना एक बहुत बड़ी, मतलब क्या कह सकते हैं, आपकी बच्चे कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें, कोचिंग्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी कोचिंग्स थे, जितने भी कोचिंग क्लासेस थे, जो भी मैराथन क्लासेस चलाई गई, टीचर तक यहाँ तक भ्रम में रह गए कि पेपर कहाँ से आया, क्योंकि पैटर्न जो होता है प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, उसी पे सारे टीचर्स सारे कोचिंग क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो एक जज कर पाना उनके लिए भी मुसीबत हो गया, तो बच्चों की बात ही अलग करें, वो जो स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, उसके हिसाब से बच्चों ने तैयारी की, ठीक है, बट फिर भी एग्ज़ाम उनका काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाया। तो पेपर तो टफ था, इसमें कोई बात नहीं है, वर्ल्ड जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, एंशियंट से क्वेश्चन ही नहीं आए, वहीं बात करते हैं पॉलिटी से इतने टफ क्वेश्चन आ गए, मैथ और रीजनिंग की तो बात ही मत करिए। तो जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूँ ना कि BPSC का पेपर जैसे BPSC पेपर ले रहा हो, ना कि PRT और इन सब चीज़ों का पेपर ले रहा हो, BPSC का जैसे पेपर बना हो। तो पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बावजूद कि उसके आगे बात करते हैं, पेपर तो टफ था ही, उसके बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिहार सरकार क्या कर रही है, जो BPSC के चेयरमैन अतुल सर वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पेपर का जैसा ही लेवल, पेपर के लेवल के बाद ही उन्होंने, जब उनको पता चला कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि हाँ पेपर टफ था, तो उस पर उन्होंने ट्वीट कहा कि हम 75% जब तक सीट्स नहीं भरेंगे, हम तब तक कट ऑफ को नीचे करते रहेंगे, कट ऑफ को डाउन करते रहेंगे। तो इतना निश्चित है कि वो सीट पूरा भरेंगे, और जब तक सीट नहीं भर जाती तब तक कट ऑफ नीचे आएगी, और 40%, ठीक है, जैसा कि बोला गया है 120 में से 48 नंबर जो पा जाता है, 48 नंबर मतलब पाना है, ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए। तो कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, कट ऑफ लगभग जहाँ पे पोल्स के जरिए और YouTube चैनल्स के जरिए जितने भी अच्छे कोचिंग्स हैं सबके वीडियोस लगभग मैंने देखे, और वहाँ से एक जो कंक्लूजन निकल के आया है, वहाँ से यही कंक्लूजन निकल के आ पा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स जो 40-60 के बीच में है, 40-60 के बीच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो जो भी अगर रीजनिंग और मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिला के अगर 40 में से 20 क्वेश्चन किए होंगे, उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का किया है उन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे पेपर्स में कर पाना काफ़ी मतलब होता है कि PRT का लेवल आपका पेपर देने जाएँ और BPSC का पेपर करके आएँ तो फ़र्क होता है उसमें। तो
बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो जो बोल रहे हैं 70-80 वाले मान के चलते हैं, वो 10% होंगे, ठीक है। जो 70-80-85-90 बोल रहे हैं वो 1% होंगे, तो कट ऑफ तो कम रहेगी, ठीक है। और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि जब तक 75% सीट्स नहीं भर जाती हैं तब तक हम कट ऑफ को डाउन करते रहेंगे। और सबसे बात करते हैं कट ऑफ की, तो जनरल लेवल की जो कट ऑफ है उसमें सबसे ज़्यादा फाइट है। क्यों फाइट है? लगभग 13 हज़ार, आई थिंक एक डाटा के अनुसार 13 हज़ार के करीब थी वैकेंसी, ठीक है। और सबके अदर स्टेट्स वाले भी स्टूडेंट्स गए वहाँ पे एग्ज़ाम दिए। तो जनरल की बात करते हैं तो कट ऑफ आई थिंक मेरे हिसाब से जिन्होंने 40 से 45 से 60 के बीच में क्वेश्चंस करके आए हैं जो स्टूडेंट्स, वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ ज़रूर समझें, क्योंकि पेपर का लेवल के हिसाब से 40 से 60 क्वेश्चंस अगर जो अटेम्प्ट कर रहा है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, वो आप होप रख सकते हैं। वही बात करते हैं अगर कट ऑफ वो कर नीचे, अगर जब तक 70 या 75% तक सीट नहीं भर जाती वो कट ऑफ कर नीचे लेते आते रहेंगे, तो कट ऑफ और नीचे आनी चाहिए। मुझे जहाँ लगता है हर एग्ज़ाम में जैसे 33% क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। एटलीस्ट 33% तक अगर डाउन होता है कट ऑफ तो आप यहाँ तक भी होप रख सकते हैं। बाकी वो बिहार सरकार पे, बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है आपकी, लगभग आप मान के चलिए आप 45 से 60 के बीच में अगर जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट कर सकते हैं। और पेपर का लेवल भी टफ था तो इसके हिसाब से यही कट ऑफ होनी चाहिए। और बाकी जो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे वो वापस दे के तो आ गए होंगे एग्ज़ाम, वही बात करते हैं इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। आप होप रखिए, हो सकता है जल्दी कुछ अच्छा देखने को मिले आपको, ठीक है। कुछ संशोधन करके बिहार सरकार या तो कट ऑफ को कुछ इधर उधर करके कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था उन्होंने भी माना, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी जो हम मुझे आपको आपके सामने डिस्कस करनी थी। वहीं बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। इधर JBT की झारखंड की वैकेंसीज आई हैं, वहाँ भी आप अप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। तो बैठे रहने से कुछ नहीं अच्छा है, बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं पेपर देते रहिए, ठीक है। और जो जहाँ के भी पेपर्स आ रहे हैं वो चाहे पेट का पेपर हो जाए, ठीक है, वो चाहे पेट का आप पेपर दीजिए, कुछ ना आप 30% 40% यहाँ के पेपर्स पे ध्यान दीजिए। बाकी जो अदर्स पे अगर आप अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती पे ही डिपेंड रहेंगे तो आप देख रहे हैं 4-5 साल यूपी में हो गई वैकेंसीज आए, तो कैसे 4-5 साल बच्चा कितना वेट करेगा, तो वेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप अलग से किसी और के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर दीजिए, ज़रूर उस एग्ज़ाम में लगे रहिए। आप 70% उस पर दीजिए या 60% अदर एग्ज़ाम्स पे दीजिए, 40% टीचिंग एग्ज़ाम्स पे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सबका नौकरी लगना और सबके घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ अदर एग्ज़ाम्स भी देते रहिए, उसी के चक्कर में मत बैठे रहिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बाकी फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।